एक तरफ जहां रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए थे जिनका मकसद रूस को हर मोर्चे पर कमजोर करना था जिससे वो यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुला ले, और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी। यूक्रेन में रूस की सेना के पसीने छूटने लगे, जंग के मैदान में उसके हजारों सैनिक मारे गए। कई बार ऐसी खबरें आईं कि रूसी सेना के पास अब युद्ध लड़ने के लिए हथियार कम पड़ गए हैं। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे रूस और ईरान की दोस्ती शबाब पर थी। ईरान रूस को अपने हजारों लड़ाकू ड्रोन सप्लाई करता रहा जिनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन में किया। हालांकि ईरान ने रूस को ड्रोन सप्लाई करने की बात कभी स्वीकारी नहीं, लेकिन यूक्रेन में जब इन ड्रोनों का मलबा गिरा तो जांच में पूरी कहानी सामने आ गई। और अब इन्हीं ड्रोन्स के बदले रूस ईरान को एक बड़ा इनाम देने जा रहा है, और वो है सुखोई 35 फाइटर जेट। जी हाँ, ईरान पिछले 50 सालों से ऐसे लड़ाकू फाइटर जेट के लिए तरस रहा था जो अब उसे रूस देने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट अगले हफ्ते मिल सकते हैं। सुखोई 35 फाइटर जेट चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस जेट को आसमान का गिद्ध कहा जाता है जो हवा में अपने दुश्मन का पल भर में सफाया कर देता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने विमानों को सुपर फ्लैंकर नाम दिया है। अब आपको यहाँ से समझना होगा कि ईरान के लिए ये फाइटर जेट किसी संजीवनी से कम नहीं है। वो ऐसे कि ईरान की सेना पिछले 50 सालों से सुखोई 35 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट के लिए तरस रही है। ईरान ने पिछले 33 सालों से कोई भी फाइटर जेट आयात नहीं किया। ईरान को 37 साल पहले अमेरिका से F-14A टॉमकैट्स विमान मिले थे। साल 1976 में ईरान और अमेरिका के बीच इस विमान के लिए समझौता हुआ था। ईरान को साल 1979 में इस्लामिक क्रांति से पहले 79 विमान मिल गए थे, और क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के बीच संबंध खराब हो गए जो अब तक नहीं सुधरे हैं। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान विमानों को अभी भी उड़ाने में असफल रहा है। हालांकि इसके बाद ईरान ने साल 1990 में सोवियत संघ से MiG-29A फाइटर जेट खरीदे थे, लेकिन वो अमेरिका की विमानों के आगे टिक नहीं पाए। इसी वजह से ईरान ने सोवियत संघ से बड़ी संख्या में इन विमानों को नहीं खरीदा था। लेकिन अब ईरान रूस से लंबे समय से सुखोई 35 मांग रहा था, लेकिन जब रूस यूक्रेन युद्ध में कमजोर पड़ा तो उसने ईरान ड्रोन से कीव में कहर बरपा दिया, और अब इसके बदले में वो ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट देने जा रहा है। और माना जा रहा है कि ईरान इन विमानों का इस्तेमाल सीरिया में इसराइल के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि सीरिया में दोनों एक दूसरे के खिलाफ इनडायरेक्ट जंग लड़ रहे हैं।